महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रंग में राजनीतिक दल रंगते जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति के घटक दल हो, सभी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने मौजूद है नितिन कुंभलकर, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सहसचिव है। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन जी, शुरुआत तो यहीं से करूंगा, आप दक्षिण नागपुर की कांग्रेस की सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो, आज तक आपने जनहित को लेकर क्या क्या कार्य किए हैं और आखिर आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? देखिए, दक्षिण की दावेदारी मैंने किया है। मैंने मेरे पार्टी की तरफ जो है, जो एक प्रक्रिया होती है, उसमें मैंने अपना आवेदन किया है कि मुझे दक्षिण से इस बार उम्मीदवारी दी जाए। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैंने ये सीट के लिए आवेदन किया है। 2009 में भी मैंने किया था, 14 में भी किया था, कुछ कारणवश उस पर नहीं हो पाया। 2019 में मैंने नहीं किया था, अभी फिर से मैंने किया। लोकसभा के समय भी मैंने लोकसभा की टिकट के लिए आवेदन पक्ष की तरफ किया था, और कहीं कहीं दूर तक भी उस पे बारे में मेरा विचार हुआ था, पर सब संयोग की बातें होती है, वो नहीं हो पाया। पर अभी दक्षिण के लिए मैंने दावेदारी की। रही बात मैंने क्या क्या कार्य किया है, तो कार्य ऐसा होता है कि किसी के कार्य दिख के गिरते, किसी के नहीं दिख के गिरते। पर दक्षिण नागपुर की जनता रहे या नागपुर की जनता रहे, कांग्रेस का मेरा परिवार जन रहे, उनको सबको पता है कि जब जब कहीं भी मेरे बारे में किसी ने पूछना किया है, मेरी ज़रूरत रही है, तब तक मैं वहाँ उनके लिए उपलब्ध रहा हूँ। और एक्टिविटीज़ की अगर बात ही हो तो पक्ष से रिलेटेड जितनी भी एक एक्टिविटी होती है, मैं पदाधिकारी करके, चाहे वो मैं यूथ कांग्रेस में काम करता था, तो यूथ कांग्रेस में मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं यूथ कांग्रेस में इस प्रदेश का प्रदेश संघ में एक महासचिव की भूमिका निभाते हुए, मुझे उस समय मेरे काम के लिए बेस्ट ऑफिस बेरर का, जो एक अच्छा पुरस्कार होता है, सबसे अच्छा काम करने वाला युवक कांग्रेस का पदाधिकारी करके मुझे 2005 में वो एक अवार्ड भी मिला था। अगर मैं काम नहीं करता तो पार्टी स्तर पे वो मुझे उस अवार्ड से नवाजा नहीं जाता। फिर चाहे प्रदेश कांग्रेस का सचिव करके रहे, उसमें भी मेरी भूमिका जो रही है, मुझे जिम्मेदारियाँ जो दी वो मैं अच्छे से निभाया। अभी राष्ट्रीय स्तर पर मैं काम कर रहा हूँ सह सचिव करके, और मेरे तरफ एक 14 राज्यों की जिम्मेदारी है पर्टिकुलर एक काम के लिए, और वहाँ भी मैं कार्य कर रहा हूँ। और उस कार्य की 14 राज्यों की जिम्मेदारी की व्यस्तताओं के चलते हो सकता है कि मैं नागपुर की जो एक राजनीति है, वो राजनीति में मेरी बहुत बार उपलब्धता नहीं हो पाती, क्योंकि मैं बहुत सारा जो समय है वो मेरे दौरों पे मेरा जाता है, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं बहुत सारी या नागपुर के लोकल प्रोग्राम्स को मैं मिस करता हूँ। नितिन जी, ये बताइए, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे आप? जनता के एक मुद्दे होंगे तो एक मुद्दा को लेकर मैं हम जाएंगे ना। जनता के तो आज इतनी परेशान है, जनता के अनेक मुद्दे हैं, चाहे वो आज देख रहे हैं बेरोज़गारी का मुद्दा। एक विधायक जो है वो, जैसा अगर मैं विधायक के लिए भी बात करूँगा, तो विधायक उतने स्तर पे उसको मैं नहीं समझता कि उतनी तरीके से न्याय दे पाता है, पर अगर उसने कोशिश की तो कुछ लोगों के लिए ज़रूर वो न्याय दे सकता है। अलग अलग विधायक कार्य उसके मतदार क्षेत्र में ला के और एक सिस्टम को बना के, जनता की अगर आप मुद्दे की बात करेंगे, जनता की इतनी अड़चने हैं कि जैसा आप देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में जिस प्रकार से आज डेवलपमेंट के नाम पर जितना अंधानुकरण यहाँ हो गया, उससे जो जनता परेशान हो रही है, उनको कैसे, एक मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मेरी ये कोशिश रहेंगी कि अपने क्षेत्र में एक मैं कैसा क्लस्टर डेवलपमेंट बनाऊँ, जो क्लस्टर डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर जो रहते दक्षिण नागपुर के रहवासी, उनको एक अच्छी फैसिलिटी, उनके ज़िंदगी में कैसा एक अच्छा सुधार हो पाएगा, उसकी मेरी कोशिश रहेंगी। जैसे वो चाहे छोटे छोटे मसले हैं, डे टू डे लाइफ में हमको क्या लगता है, डे टू डे लाइफ में हमको लगता है एक अच्छा बाज़ार, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अच्छे बाज़ार की जगह हो, एक अच्छा बाज़ार में सब्जी का हो सकता है, मीट मार्केट हो सकता है, किराना का हो सकता है, ये आज अगर देखेंगे तो क्या हो गया है कि ये कंसोलिडेटेड कहीं ना कहीं जगह में हो गया है और इसका कहीं कंट्रोल नहीं है। इससे आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में आप शाम को या सुबह के पीक आवर्स में अगर निकलेंगे तो राह चलते हुए भी कितनी दिक्कतें होती है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। नितिन जी, रोकना चाहूँगा जी। दक्षिण नागपुर से मौजूदा विधायक मोहन मते हैं, भाजपा से आते हैं,
क्या ऐसे विकास है जो अधूरे लगते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो? देखिए, ऐसे तो बहुत विकास है जो नहीं हुए हैं पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा के विधायक है जी। जैसा युवाओं के लिए अगर बात करें तो एक अच्छे खेल के मैदानों की, दक्षिण नागपुर को ही नहीं पूरे नागपुर को, हर विधानसभा क्षेत्र में खेल के मैदानों की ज़रूरत है। जैसा आप देखेंगे कि ताजबाग के वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम पिछले अनेक सालों से बंद पड़ा है जी। तो दक्षिण नागपुर के युवाओं के लिए अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खेलकूद का मैदान जिसमें सभी प्रकार के खेलकूद की उनको सुविधा रहे, वो मेरे ख्याल से जब दक्षिण नागपुर पूर्व नागपुर का भाग हुआ करता था डिलिमिटेशन के पहले, तब उस समय के जो विधायक थे और मंत्री भी थे चतुर्वेदी साहब, इनके समय में उसका फाउंडेशन रखा गया, काम शुरू हुआ, पर आज वो उसी अवस्था में पड़ा है। उसके ऊपर 10 साल से यहाँ के जो विधायक है रहे हुए, उन्होंने किसी ने भी, बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में अनेक समस्याएं हैं, नाले, बारिश में आप देख रहे होंगे कि थोड़ी भी बारिश आती है तो आज दक्षिण नागपुर में भी, जैसा पिछले बार पश्चिम नागपुर में पानी भर गया था, इस बार भी भरा, तो दक्षिण नागपुर में भी बहुत सारी जो बस्तियाँ हैं इसमें जो गलत डेवलपमेंट है, चाहे वो सीमेंट रोड की ऊँचाई रहे या नालों को सीमित कर देने से जो बस्तियों में पानी घुसा, इसका एक प्रॉपर कोई तो भी एक डेवलपमेंट प्लान नहीं रहने से यहाँ के जो रहवासी उनको तकलीफें हो रही है। ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? यदि हम, नितिन जी, कोई राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे, चुनाव के दौरान पार्टी कोई भी हो जो एक घोषणा पत्र तैयार करती है, उसे कितना अमल में लाया जाता है? देखिए, जहाँ तक मैं कांग्रेस की बात करूँगा तो पिछले आप गत चुनाव में देखेंगे हर राज्य के, चाहे वो कर्नाटक रहे, तेलंगाना रहे, जहाँ भी हम जो अपने चुनाव घोषणा पत्र हमने दिए और उसमें के वादे अगर आप बात करोगे तो सिद्धरमैया जी इसके पहले जब मुख्यमंत्री बने थे कर्नाटक के, तो उन्होंने जितने भी वादे किए थे आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि उन्होंने एक भी वादा ऐसा नहीं था जो घोषणा पत्र में किया हुआ था जो पूरा नहीं किया। आज तेलंगाना रहे, कर्नाटका रहे, यहाँ पे भी जो भी वादे किए गए वो पहले ही कैबिनेट में, उसमें से एक दो अगर अपवाह छोड़े तो सभी वादे जो है वो पूरे किए गए। बीजेपी जैसी वादा खिलाफ ही कई की नहीं गई कि वो वादे करते और बाद में भूल जाते हैं। और मैं फिर से, आपने जो सवाल पूछा फिर से एक बार मैं चाहूँगा कि थोड़ा दोहरा, मैं मिस कर रहा हूँ एक ये सवाल, और कुछ आपने इसमें ऐड किया था सवाल में? क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दल कोई भी हो जो घोषणा पत्र अपना बनाता है चुनाव के दौरान, उसे कितना अमल में लाया जाता है? ये तो मैंने बता दिया। दूसरा आपने पूछा था स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर आप बात करें तो देखेंगे कि दक्षिण नागपुर में 60 के दशक के दौरान एक सबसे बड़ा जो हमारा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC जिसको बोलते हैं, वो बना था दक्षिण नागपुर क्षेत्र में। उसके बाद में अगर आप देखेंगे एक बीमा का दवाखाना दक्षिण नागपुर क्षेत्र में, अब नहीं आता, पहले आता था, अभी वो दक्षिण पश्चिम में गया। तो जहाँ स्लम एरियाज है दक्षिण नागपुर के, वहाँ PSC जिसको बोलते हैं, छोटी फैसिलिटीज, जहाँ पे डे टू डे अगर कुछ तकलीफें हैं तो वहाँ जाके डॉक्टर अगर अवेलेबल है, तो जो हमारा फाइनेंशियली वीक सेक्शन है, मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि गरीब परिवार बोल सकते हैं हम उनको, उनको जो तकलीफ आज देखेंगे कि आप स्वास्थ्य की जो सुविधा है, स्वास्थ्य फैसिलिटीज जो है वो कितनी महंगी हो गई है, तो उसके लिए उस स्तर पर भी जो काम होना चाहिए था जो गत गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो कैसे हम कर पाए छोटे छोटे जो इलाके है उसमें, जैसा मैंने क्लस्टर डेवलपमेंट की बात की, तो क्लस्टर डेवलपमेंट में कहीं तो भी उन एरियाज में अगर हम स्वास्थ्य को लेके अगर PSC अगर खोले तो वहाँ पे गरीब जनता जो हमारे क्षेत्र की है उनको उसका फ़ायदा होगा। और रही शिक्षा ना शिक्षण की बात, तो मुझे याद है कि मेरे बचपन में मैं हनुमान नगर में रहा करता था, तो वहाँ एक कॉरपोरेशन का स्कूल है, सिर्फ हनुमान नगर ही क्यों, तो पूरे नागपुर में अलग अलग जगह जो कॉरपोरेशन की स्कूल रही है, कहीं तो भी ये योजनाबद्ध तरीके से इन स्कूलों का खच्चीकरण किया गया, मराठी मीडियम एक, मराठी और इंग्लिश मीडियम एक, थोड़ा एक पालकों में भी एक कुछ अलग ही हुआ है। बट अगर इन स्कूलों को जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है उनका जो एक खच्चीकरण हुआ है, अगर इन स्कूलों को फिर से एक तरीके से अगर हम उसको अगर सुधार उसमें कर पाए, तो होगा कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको वहाँ पे एक अच्छे शिक्षण की, उनके बच्चों को एक फैसिलिटी मिल सकती है। और उस फैसिलिटी से क्या होगा कि जो एक आज सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों की फ़ीस, तो अगर गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम उस स्टैंडर्ड का एजुकेशन अगर दे पाए, तो उनको जो एक भूर्दंड पालकों को पड़ता है
उसको हम कहीं तो भी वो अपना एक अच्छे तरीके से उसको हम कंपेंसेट कर पाएंगे। दूसरा, जो जितनी अच्छी स्कूल है वो शहर के बाहर है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी पैसा लगता है। तो यहाँ ऐसा है कि हम बचपन में तो पैदल चले जाते थे स्कूल में, घर से 1-1.5 किलोमीटर भी भेज, तो ये पहले का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि वो जो स्कूलें हैं वहाँ वॉकेबल डिस्टेंस पे हुआ करती थी, वहाँ रहने वाले विसिनिटी में, यानी उस एरिया के लोगों के लिए वो एक सुविधा होती थी, उस पर हो सकता। रही बात रोजगार की, तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को हम कैसे, लड़कों को हम रोजगार कैसे दे पाएंगे, इसके लिए भी विचार किया जा सकता है। नितिन जी, क्या कहना चाहूँगे, यदि दक्षिण से आप कांग्रेस की सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो, आपने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सीट से यहाँ से अपनी इच्छा जताई थी चुनाव लड़ने की, अभी कोई बड़े नेता का आश्वासन कि आप तैयारी कीजिए, यदि टिकट नहीं मिलती हो तो निर्दलीय चुनावी मैदान में दिखाई देंगे या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को पूरा समर्थन रहेगा आपका? देखिए, मैं एक कांग्रेसी परिवार से जो हमेशा से लॉयल रहा है, नागपुर की जनता जानती है, कांग्रेसी परिवार के सब लोग जानते हैं कि मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे मेरे पिताजी कम से कम 40-45 साल कांग्रेस की सेवा करते रहे। कभी उनके स्वार्थ के लिए कभी काम नहीं किया, निस्वार्थ होकर पार्टी की सेवा की। पिछले 30 साल से भी मैं करीब करीब संगठन के अलग अलग पदों पे काम कर रहा हूँ। और रही बात, मुझे अगर दावेदारी नहीं मिलती है तो मैं किसी के विरोध में काम करूँगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। जिसको भी दावेदारी मिलेंगी, जिसको भी उम्मीदवारी मिलेंगी, मैं उसके साथ में बिल्कुल उसके प्रचार में भी आपको दिखूंगा, और पूरे दिल तन मन धन जिसको बोलते हैं उस तरीके से मैं उसके साथ रहूँगा। और रही बात किसी के आश्वासन की मुझे मिला है क्या, तो ये पार्टी की एक प्रक्रिया है जो लोकशाही तरीके से होती है। अब इसमें अलग अलग विचार हो सकते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लॉबिंग होती है, वो तो हर पार्टी में होती है। पर मेरा ऐसा है कि मैंने जो दावेदारी की है, अगर मेरे पक्ष के नेतृत्व को लगता है कि जितने लोगों ने मांगा उसमें कहीं ना कहीं बाकी इक्वेशंस में अगर मैं फिट बैठा हूँ तो हो सकता है मुझे उम्मीदवारी मिले। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर मिलती है तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का काम इन सब लोगों के साथ में, जितने भी लोगों ने मांगी है ये सब भी मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे विचार ऐसे कि अगर उनको मिलती है तो अगर मैं उनको मदद करूँगा तो वो भी सब लोग कांग्रेस परिवार है, एकमेक को मदद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार नागपुर शहर की अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए संभावित जो उम्मीदवार है उनसे चर्चा कर ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, आज तक उन्होंने जनहित से जुड़े क्या क्या कार्य किए हैं और आखिर वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। तो फिलहाल आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस बैसवारे को दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए USFDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80-90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। श्री विठल रूपा स्वस्थ टापर केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी से एक खरीदे एक मुफ्त पाए, ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वेराइटी उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरि नगर मानीवाड़ा नागपुर, हमारा संपर्क नंबर 7666502747।